दोबारा हम लोग भी पैसा लेके। हाँ देखिए, गुड मॉर्निंग, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे बाथरूम का दरवाजा, पहले से ऑलरेडी बना हुआ था, उसको हम रिपेयरिंग करने के लिए आए हैं। रिपेयरिंग करने का वजह है कि नीचे में पहले से टाइल्स नहीं लगा हुआ था, उसी को उसमें अब टाइल्स लग गया है। अच्छा, तो टाइल्स लग जाने के बाद तो दरवाजा वहां पर नहीं लग रहा है, इसलिए वहां पर दरवाजा काटकर छोटा करना पड़ रहा है, 4-5 इंच छोटा करना पड़ रहा है। अच्छा, तो उसमें क्या है कि दरवाजा को अब रिपेयरिंग, ये दरवाजा जो है इसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। मान के चलिए ये दरवाजा 80 इंची का है, तो इसमें 74 इंची मतलब 74 इंच का बनाना है हमको। अच्छा, तो ये दरवाजा को टोटली खोलकर काटना पड़ेगा। अच्छा, आज का वीडियो हम आप लोग को वही दिखाएंगे कि जैसे कि दरवाजा कैसे रिपेयरिंग किया जाता है, और टाइल्स लग जाने के बाद वही प्रॉब्लम हो रहा है, या तो आप लोग पहले टाइल्स लगा दीजिए, नहीं तो मिस्त्री से पूछ करके कितना छोटा करना है, क्या करना है, वो चीज पूछ कर ही दरवाजा लगाइए, नहीं तो कुछ दिन और रुक जाइए, नहीं तो ऐसे खराब हो जाएगा। हाँ, वैसे तो खराब हो जाएगा, फिर दोबारा हम लोग भी पैसा लेंगे। हाँ देखिए, हम लोग का पैसा भी यहाँ पे लग गया। हाँ, फिर से खर्चा हो गया। हाँ, डबल खर्चा हो गया। एक बार दिखा दीजिए वो वाला, वो जगह जहाँ पे वो लगेगा। वो आइए, अभी हम आप लोग को एक चीज दिखाते हैं, कहाँ पे वो दरवाजा था पहले। पहले दरवाजा यहाँ पे था। हाँ, यहाँ पे एक चीज नहीं लगा हुआ था पहले। हाँ, ऐसे नहीं था। तो अभी अभी क्या हुआ है कि इतना तो हमारा हाइट हो गया है। हाँ, तो इसलिए इसको दरवाजा को खोल कर फिर से करना पड़ता है, रिपेयरिंग करना पड़ता है। इसलिए आप लोग पहले जान जाइए कि दरवाजा बना रहे हैं तो टाइल्स लगाना है कि नहीं लगाना है, आगे आप लोग फाइनल कर लीजिए, उसके बाद दरवाजा लगाइए, नहीं तो फिर मिस्त्री हम लोग का क्या है कि दोबारा काम मिलेगा। हाँ, पैसा मिलेगा, दो बार पैसा लेंगे। वही काम कर रहे हैं तो पैसा तो लेवे करेंगे, लेकिन फ्री में तो करेंगे नहीं। हाँ नहीं, अभी यहाँ से खुलेगा या बाहर से खुलेगा, अंदर से खुलेगा ना, ये चीज अंदर में ही खुलेगा, अच्छा रहता है अंदर में। हाँ, अंदर से खुलने से अच्छा, क्योंकि पानी वहां से रुक जाता है। हाँ, पानी रुक जाता है, और बाहर से खुलने से क्या होगा कि दरवाजे के साइड से थोड़ा सा गिरने का चांस होता है। हाँ, अभी अंदर से खुलेगा, यहाँ पे लगेगा ना। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया। सो दादा आज हमको हमारे घर पे आया है, सो हम लोग का आज ये संडे है, हमको बुलाया मैंने दादा को कि आप आ जाइए, बहुत बिजी आदमी है, काम करता रहता है, चालू रहता है, सो आज हमको ये हेल्प कर दीजिए बस। ये आज हम लोग का टाइल्स वाला मिस्त्री भी आएगा, ये काम करेगा, और दादा भी एल्युमिनियम में काम करने के लिए दो आदमी आए हैं। हाँ, वो दादा को दिखा दीजिए। दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, दादा भी आसे। सो দাদা আছে আমাৰ ঘৰত, আহি দাদা আছে। সো থেংক ইউ দাদা, আজি আহিলে আপোনালোকে, কালি মাতিলোঁ, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ। সো দাদা ভালকৈ লগাই দিব। অ'কে দাদা, থেংক ইউ। फिटिंग करते हैं। हाँ, ये अब बस इसको ध्यान दे रखिएगा, इसको स्केच मत कीजिए। हाँ, वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। नहीं तो ये देखिए, आपने देख लिया, ये सब खुल गया, पहले यहाँ पे था, सब कुछ खुल गया। ये देखिए खुल गया, कुछ खुल के अभी नया बनाया, अभी पूरा नया पूरा। किचन है, यहाँ पे गणित लगेगा, वहाँ पे अभी थोड़ा टाइट लगेगा, तो इसलिए थोड़ा खराब लग रहा है देखने के लिए। जब खत्म हो जाएगा ना तब अच्छा लगेगा। ये सब सही है ना, ये सब यूज सब यूज होगा ना। अच्छा अच्छा, ध्यान से करिए। अच्छा अच्छा अच्छा
देखिए अभी काटना है, इतना छोटा करना पड़ रहा है। देखिए कितना छोटा हो गया, कम से कम 6 इंची हो गया ना, 6 इंची तो मीन्स दरवाजा इतना छोटा हो गया, पहले इतना बड़ा था अब इतना छोटा हो गया 6 इंची। कितना देखिए सब कुछ सब छोटा हो जाएगा, उपाय नहीं है। सो इसलिए आपको पहले बोल रहे कि जब आप लगाएगा टाइल्स, टाइल्स लगाने के बाद ही वो आप दरवाजा लगाइए, पहले मत लगाइए। ठीक है दादा, आराम से कीजिए। ठीक है, बढ़िया, ये फर्स्ट क्लास है, जोरहाट का हम एक नंबर वाला एल्युमिनियम मिस्त्री है। आपको चाहिए तो दादा को कॉल कीजिए, नंबर साथ में रहेगा, नंबर दे दीजिएगा बस। ठीक है, बढ़िया, नंबर तो ऐसे भाई अभी क्या करेंगे? जो कब्जा का पूरा सा हम इधर घसकाना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या हो गया कि टाइल जो लगा है एकदम पूरे सट गया है। अच्छा, देखिए एक स्क्रू कसने में इतना जल्दी हो गया। अब वही चीज को देखिए, अगर स्क्रू ड्राइवर से टाइट करने में कितना समय लगता है। अब तक तो 10 स्क्रू कस देते हैं। मेरे हिसाब से ये वाला ज्यादा मीन्स ताकतवर होगा। लेकिन नहीं, पहले तो यही था ना, ये टाइल्स मिस्त्री हम लोग। ओके, ओके, सो फाइनली हम लोग का दरवाजा फिटिंग हो गया। देखिए दादा थैंक यू सो मच, एक बार दिखा दीजिए। वाह कितना बढ़िया है, वाह मस्त लग रहा है। एक्चुअली हमारे घर पे आया आदित्य जी, अच्छा लगेगा फिर से आएगा, काम बहुत है अभी और भी काम है, और पहले भी काम करके गया है यहाँ पे, बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको चाहिए ना अभी कोई भी काम अगर हो, कुछ काम बोले क्या क्या हमारे बोल दीजिए। दादा के घर में हम 2 बार आ गए, सेकंड बार आए हैं, और मतलब दादा से तो बढ़िया से जान पहचान हो गया, दादा से कुछ भी हो तो हमको ही बुलाते हैं। चलिए हम लोग दोनों आदमी, एक तो यूट्यूबर तो है ही, और हम अच्छा फैन है। हाँ, अच्छा फ्रेंड्स हो गए हैं दोनों आदमी। देखिए एक बार दिख रहे हैं एक बार अंदर से, पहले बहुत बड़ा था यहाँ से, टाइल्स नहीं लगा था। अच्छा, और अभी टाइल्स लग गया है। अच्छा, दरवाजा छोटा करना पड़ा है, इसलिए आप लोग को एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अच्छा, ताकि आप लोग पहले टाइल्स लगा कर उसके बाद दरवाजा लगाइएगा। अच्छा, तो यह फाइनल आपका दरवाजा देखिए पूरा खतरनाक अच्छा बनाया, मस्त बनाया आपने, थैंक यू सो मच अजीत जी। लास्ट में आपको क्या बोल रहे, बस आप आया हमारे घर पे, थैंक यू सो मच, तो फिर मिलेंगे, फिर काम होगा, कुछ काम होने से आप बोलिएगा, हम जरूर आएंगे। श्योर श्योर श्योर। और दादा थैंक यू, थैंक यू सो मच दादा, आपने आया, दोनों आया, अच्छा लगा, काम किए हैं मिलकर। या हाय फ्रेंड्स, हमारा दरवाजा बनाना कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने के बाद देख रहे हैं आप लोग, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।